खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सोनवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा ग्रामवासियों से वार्ता कर उनका कुशल क्षेम जाना गया। जी हां, आपको बताते चलिए, अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा थाना सोनवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित विवेचनाओं के निस्तारण करने के साथ साथ वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लंबित प्रार्थना पत्रों का भी गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु थाना प्रभारी सहित सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया। थाना पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क का भ्रमण कर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कर्मचारियों से वार्तालाप की गई तथा सभी को बताया गया कि थाने पर जो भी आगंतुक महिलाएं शिकायत लेकर आए उनकी समस्या को सरलतापूर्वक सुना जाए एवं यथाशीघ्र निस्तारण हेतु थाना प्रभारी सहित संबंधित को अवगत कराया जाए तथा अपने कार्यों दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन करें। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी कर्मचारियों को बताया गया कि कोविड 19 से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करें तथा क्षेत्र में जाएं तो लोगों से भी इस महामारी से बचाव के लिए मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी बीट आरक्षियों को बीट व्यवस्था के अंतर्गत जांच हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनमानस से संवाद करें, उनकी समस्याओं को सुने, आम जनमानस से मधुर व्यवहार रखा जाए तथा उन्हें प्रेरित करें कि आपके आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दे। तत्पश्चात ग्राम पर हारियों से वार्तालाप कर कुशल क्षेम जाना गया तथा सभी को क्षेत्र की सूचनाओं पर समय से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, बैरक परिसर आदि का भ्रमण किया गया। इस दौरान अभिलेखों के रखरखाव व परिसर की साफ सफाई व लंबित माल मुकदमाती वाहनों मालों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फलाने का लड़का रोज मोटरसाइकिल बदलता है।